आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम के अंतर्गत कहा कि ये मेरा स्थायी निवास स्थल होगा और लोगों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो घोषणा की वे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद रहने के बावजूद डेढ़ दशक में नहीं कर पाए। ईरानी ने घोषणा की कि वे अमेठी में अपना घर बनवाएंगे और इसके लिए उन्होंने कौड़ीगंज में भूखंड भी देख लिया है। उन्होंने कहा कि अमेठी अब उनका स्थायी निवास स्थल होगा और वे लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी। राहुल गांधी ने साल 2004 से 2019 के चुनाव से पहले तक लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। साल 1999 में उनकी मां सोनिया गांधी ने यहां से सीट जीती थी। अमेठी सीट पर लगातार कब्जा रहने के बावजूद गांधी परिवार ने यहां अपना घर बनवाने की नहीं सोची, बल्कि वे अपने दौरे के दौरान अतिथि गृह में रहते थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में घर बनाने का स्मृति ईरानी का फैसला इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि वे आगामी वर्षों में अमेठी के साथ संबंध बरकरार रखने का इरादा रखती हैं। मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बता दें कि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी वे अमेठी का दौरा करती रहीं। उन्होंने लगातार 5 सालों से संपर्क बनाए रखा। इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 में मिला और आज वे अमेठी की सांसद हैं। उन्होंने 25 महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दिव्यांग लोगों को सहायक कृषि यंत्र व ट्राईसाइकिल वितरण की। उन्होंने जिले के लेखपालों को लैपटॉप वितरण किए। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल ट्रेनिंग कार्यक्रम में भी शामिल किया। नागरिकों को गत दो दिनों में विकास की कई सौगातें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से दे पाए। 62 सड़क कार्यक्रमों को जनता को 30 करोड़ की लागत से आज अन्न प्रश्न का गोद भराई का कार्यक्रम ICDS के माध्यम से मोबाइल भी अथवा नीचे कर लो मोबाइल लेखपाल के हाथ में लैपटॉप देकर डिजिटल सेवाएं अमेठी के नागरिकों के जीवन को और सुदृढ़ करने के लिए इस प्रकार से हम इसमें कार्यरत हो सकते हैं, उसका कार्यक्रम भी हुआ रविवार के दिन। आज अमेठी के हमारे सभी भाजपा के प्रतिनिधि, हमारे MLA, मैं, DM, SP और सभी जिला अधिकारियों की बैठक हुई। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सड़क से लेकर शिक्षा के सारे विषयों तक, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टि से डीडी थोड़ा नीचे कर लो। हमने आज जिला प्रशासन के साथ बैठक की। रविवार के दिन भी ये बैठक करके हमने जनता जनार्दन को ये संकेत देने का प्रयास किया कि अमेठी में प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन और भारत सरकार 24 घंटे जनता की सेवा में विलीन है।